हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की वैकेंसियां लेके आया हूं, जो कि डीआरडीओ ने गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के अंडर फ्रेंड्स डिक्लेयर की हैं। तो ये जो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी, ये आपकी ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। जो स्टूडेंट्स इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, उनके यहाँ पे बीई या फिर बीटेक उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कर रखी होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कर रखा होना चाहिए, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने आईटीआई कर रखी है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में, वो कैंडिडेट भी इसके अंदर फॉर्म को फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे ये जो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की वैकेंसी रहेंगी, अप्रोक्सीमेटली 140 प्लस वैकेंसियाँ आपकी रहेंगी। इसके अंडर कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो अप्रेंटिसशिप का क्राइटेरिया रहेगा एज का और एजुकेशन का, ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए वो आपका क्या रहेगा, और आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान कितना स्टाइफन जो है वो मिलेगा, वो भी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और आपकी जो सिलेक्शन है इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वो आपकी किस बेसिस पे होगी, वो भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से लेके कब तक फिल होंगे, वो भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, डीआरडीओ ने जो यहाँ पे डिक्लेयर की है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली फ्रेंड्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। लिंक फॉर्म को अप्लाई करने का 26 अगस्त 2019 को इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और 7 सितंबर 2019 को आपकी लास्ट डेट रहेगी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अब हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं आपके जो यहां पे ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रहेगी, उसके अंडर कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी, इसमें आपकी बीई, बीटेक या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपने की होनी चाहिए इन ब्रांचेस के अंडर, जैसे कि मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसके अंडर यहाँ पे आपकी टोटल 40 वैकेंसियाँ। इसमें आपकी बीई या फिर बीटेक आपने यहाँ पे मैकेनिकल, प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में की होनी चाहिए। ऐसे ही आपका सेकंड नंबर में आ जाता है एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इस पर आपकी 20 वैकेंसियाँ रहेंगी, और इसके अंडर आपका जो बीई बीटेक है इस ब्रांच के अंडर आपकी बीई बीटेक आपने की होनी चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेटलर्जी और मटेरियल साइंस, और सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए आपकी जो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया रहेगा वो आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज यहाँ पे अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी यानी कि जो उनसे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 27 ईयर से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 3 साल तक का एज के लिए रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि वो कैंडिडेट यहाँ पे 30 ईयर्स तक अगर उनकी एज है वो तभी भी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स एससी और एसटी वाले हैं उनको यहाँ पे 5 साल तक का एज का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि वो कैंडिडेट यहाँ पे 32 ईयर्स तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स दिव्यांग कैंडिडेट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो यहाँ पे 37 ईयर यानी कि उनको 10 साल का एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा। तो एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे सभी के लिए ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई के लिए फ्रेंड्स सेम रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपकी ये जो एज है 7 सितंबर 2019 तक आपकी काउंट की जाएगी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो ये आपका यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए एजुकेशन का और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेंड्स रहेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे डिप्लोमा में देख सकते हैं रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अंडर आपका जो डिप्लोमा है वो फ्रेंड्स होना चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल, प्रोडक्शन और टूल एंड डाई डिजाइन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका डिप्लोमा इसी रिस्पेक्टिव आपकी ब्रांच में फ्रेंड्स होना चाहिए। इसमें भी आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे सेम रिलैक्सेशन फ्रेंड्स रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई अप्रेंटिसशिप, जिन स्टूडेंट्स ने आईटीआई कर रखा है अपना, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, वो ही कैंडिडेट इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पे
सेम रहेगा। तो जो आपका आईटीआई का डिप्लोमा है वो आपने यहाँ पे जिस भी ब्रांच के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस ब्रांच के अंडर आपका आईटीआई का डिप्लोमा फ्रेंड्स होना चाहिए। जिस भी ट्रेड यानी कि मशीनिस्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मशीनिस्ट ट्रेड में आपका आईटीआई डिप्लोमा फ्रेंड्स होना चाहिए। तो ये आपका एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रेंड्स रहेगा। तो ये जो आपके टोटल वैकेंसी हैं ऊपर ये आपकी चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली कि जो आप नंबर ऑफ वैकेंसी हैं जो ऊपर यहाँ पे मेंशन की हुई हैं ये आपकी चेंज भी फ्रेंड्स कर सकती हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा। ऑनलाइन फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि 26 अगस्त 2019 के बाद इसका लिंक एक्टिवेट होगा ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का। तो अगर आपने बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा इन ब्रांचेस में कर रखा है या फिर आईटीआई अगर आपने इन ट्रेड्स में कर रखे तो बहुत ही अच्छा मौका आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मिल रहा है अपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को करने के लिए, और स्टाइफन भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा पर मंथ के बेसिस पे फ्रेंड्स मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बीई बीटेक डिप्लोमा अपना 2017, 18 और 19 तक कंप्लीट कर लिया है केवल वही कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, ना कि इससे ऊपर ना ही इससे नीचे। जिन स्टूडेंट्स के 2017 से पहले डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, और जिन स्टूडेंट्स के 2020 में कंप्लीट होगी वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। केवल 2017, 18 और 19 में जिन कैंडिडेट्स के बीई बीटेक और डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है वही कैंडिडेट्स के लिए फ्रेंड्स एलिजिबल रहेंगे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और आपकी जो डिग्री है वो आपने रेगुलर मोड से की होनी चाहिए, डिप्लोमा भी और डिग्री भी। तो ये आपका फ्रेंड्स ये आप अपने माइंड में रखेंगे कि जिस ईयर में आपने अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है 17, 18 और 19 में, तो ही आप इस कैंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपका यहाँ पे स्टाइफन फ्रेंड्स रहेगा। तो स्टाइफन आप यहाँ पे देख सकते हैं बीई बीटेक वालों को यहाँ पे 4,984 पर मंथ के बेसिस पे मिलेगा, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3,542 पर मंथ के बेसिस में मिलेगा। और आईटीआई वालों को यहाँ पे 80% या फिर 90% जो यहाँ पे सेमी स्किल्ड वर्कर की वेजेस रहेंगे पर मंथ के बेसिस पे, उसका 80 या फिर 90% आईटीआई वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा स्टाइफन के लिए। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पे स्टाइफन का क्राइटेरिया रहेगा जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा जब आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रेंड्स चलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी मेडिकल फिटनेस भी बताई गई है, आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहाँ पे सबमिट करवाना है जब आपकी वहाँ पे फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड विल हैव टू प्रोड्यूस फिटनेस सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे फिट फ्रेंड्स होने चाहिए, मेडिकली फिटनेस इन्होंने यहाँ पे मांगी है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिप्लोमा वाली, ग्रेजुएट वाली और आईटीए वाली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आपका यहाँ पे जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर लेते हो उसके बाद आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसकी बेसिस पे आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे एग्जामिनेशन में, जो कि आपका फ्रेंड्स कंडक्ट होगा जब आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करोगे। उसके बाद आपकी डेट आएगी रिटर्न एग्जामिनेशन की, उसमें जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे उसमें आपकी फाइनल सिलेक्शन फ्रेंड्स डिपेंड करेगी। तो जब आप इसके रिटर्न एग्जामिनेशन को दोगे उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और इंटरव्यू के दौरान ही आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी फ्रेंड्स कंडक्ट होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप वहां पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कौन कौन से लेके जाने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू दोनों भी कंडक्ट हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू फ्रेंड्स कंडक्ट होगा। तो ये आपकी फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन जो है, जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे उसी पे डिपेंड करेगी, और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसमें भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई फ्रेंड्स होना पड़ेगा। उसमें भी आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स जो है इंटरव्यू में फ्रेंड्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तो ही आपकी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए होगी जिसके अंडर भी आपने फ्रेंड्स अप्लाई किया है। तो ये आपका फ्रेंड्स कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, कितना आपको स्टाइफन मिलेगा और क्या आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं जब आप वहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके एजुकेशनल कास्ट सर्टिफिकेट और आपका यहाँ पे आईडी प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स आपको बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पे निकली है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के अंडर, जो कि डीआरडीओ ने डिक्लेयर की हैं।
इसके अंडर कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का फ्रेंड्स लिंक एक्टिवेट होता है DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट तक फिलअप करना है, कंप्लीट फोन से हम प्रोसेस करेंगे, शुरू से लेकर फोटो सिग्नेचर को कैसे फोन से रिसाइज करके अपलोड करना है वो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब 26 अगस्त 2019 को इसका लिंक फ्रेंड्स एक्टिवेट होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।